मतदान के जो वो है वो बढ़े। इसमें जो हमने हम भी वोट मतदान कर गए तो कम से कम 7-8 मिनट एक वोट को लगे, जो काफ़ी लंबा समय है। इतना नहीं चाहता उसमें, ठीक मशीन का बटन भी दबाओ रहा, मशीन का बटन भी दबाओ रखे उसमें भी 2 मिनट। जो साहब एक जो किसानों का हत्यारा जिसे कहा गया, जो मंत्री अजय टेनी है उसका बेटे को जमानत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से। नहीं चलो वैसा तो भाई हाईकोर्ट को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, पर सरकार ने मदद करी काफ़ी पैसे की, कहीं की भी जैसी भी वो मदद करी होगी उसकी, यही तो उसे जमानत मिलेगी। यानी इतना बड़ा केस है, जमानत का तो भी कुछ वो नहीं था, उस सही तो बात यह है। तो केस चलते चलते उसे वहाँ तक ही सजा होती तो और अच्छा लगे, 10 यादमों की आँख खुले तो ठीक है। वैसे हम अदालत का तो सम्मान करें, हाईकोर्ट का सम्मान करें। नहीं ऐसा वो तो किसी वे तो SIT की जांच में भी पाए गए, और भाई 5 आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी, उनकी हत्या होगी तो इससे बड़ा दोषी क्या है। सरकार भी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार के हमें दोषों को नहीं बकसते, बहुत सारे अपराधियों को नहीं, ये तो बकस तो दिया, जो निर्दोष है उन पर तो बुलडोजर चला दिया, उनके मकान ढा दिए, उनके पैरों में गोली मार दी, कोई एनकाउंटर कर दिया। अगर सही जांच तो इसकी भी हो, ये कौन सा है मिश्रा विकास दुबे वो भी एक उसकी बात है, पर्दे की बात है। अगर उसकी सही जांच हो तो उसमें देखो कितने आदमी फंसे, यही थोड़ा ही है उनने गोली मार दी में, पुलिस वाले 8 पुलिस वाले जो मारे गए उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ वो है। हम ऐसा दोषी जो अपराधी है हम उसके पक्ष में नहीं, पर सही तो जांच होनी चाहिए। ये थोड़ा ही है कि भाई अदालतों का क्या काम है, फिर तो अदालत का कुछ नहीं काम, फिर तो पुलिस ही एनकाउंट कर दो, मार दो, साफ सड़क पर गाड़ी पलट जाती हो तो कहीं नहीं अंगली उठाने वाली तो बात है। ये थोड़ा ही बात तो बहुत है, तो जनता जागरूक हो गई, जनता को बहुत देखनी पड़ेगी। अच्छा आज जो 58 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की मतदान है, इसमें जो मुख्य रूप से यह है कि जो यहाँ पर जो एक किसानों का गढ़ है जिसे जाटलैंड का भी नाम दिया जा रहा, तो ऐसे में जो उसकी जमानत मिलनी जो है आशीष मिश्रा की, तो उसे कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? नहीं असर तो आज तो किसी को पता लगा किसी को नहीं, जो 14 तारीख में चुनाव उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। एक मुद्दा है ऐसे उसमें तो ऐसे ही मुद्दे तो बुनाए जा, ऐसे उसमें जमानत लेनी, इनकी ये चतुराई तो इनके उल्टे पास से हो रही भाजपा के, कहीं ना कहीं तो इसे नुकसान होने लग रहा। और इतना खुल का विरोध, जो भाजपा का इतना खुल का विरोध हो रहा, मुझे तो ऐसा लगे हमारे तो याद में कभी इस तरह का चुनाव हुआ नहीं। इस तरह मुझे फंडनगर में मतदान हुआ, क्या लगता है कि इस बार बदलाव की बयारी? नहीं वो तो जनता की है बातचीत, पर जो हमें हिसाब लग रहा भाजपा को काफी नुकसान है।